देश के कई राज्यों में आज मतदान हो रहा है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन है और इसी गठबंधन के तहत कांग्रेस और आप में सीटों का बंटवारा हुआ है। आपको बता दें कि यहां दिल्ली में इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, जिसको लेकर आज वोटिंग हो रही है। इसी के चलते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ वोट डाला और सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की। सीएम के इसी पोस्ट पर पाकिस्तान का एक नेता बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोशिश करने लगा, लेकिन दिल्ली के सीएम ने उसकी क्लास लगा दी और क्लास ऐसी लगाई कि वो ताउम्र याद रखेगा। दरअसल सीएम केजरीवाल ने परिवार के लोगों के साथ मतदान करने के बाद फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालने जरूर जाएं। इस पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और बड़बोले नेता फवाद चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि ये वही फवाद चौधरी हैं जो लगातार भारत के खिलाफ कभी न कभी अनाप शनाप बकते हैं। खैर, फवाद चौधरी ने लिखा कि शांति और सद्भावना नफरत और उग्रवाद की ताकतों को हराए। फवाद के इस नसीहत पर सीएम केजरीवाल ने ऐसा पलटवार किया कि शायद फवाद चौधरी ताउम्र ना भूल पाए। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। अब फवाद के ट्वीट के बाद केजरीवाल का ऐसा जवाब शायद ही फवाद चौधरी ने सोचा होगा। आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल गए थे, उसके बाद जब उनको अंतरिम जमानत मिली थी, तो उसके बाद भी फवाद चौधरी ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ट्वीट किया था। हालांकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। हालांकि उस ट्वीट को बीजेपी ने चुनावी मुद्दा जरूर बनाने की कोशिश की थी। खैर, आपको बता दें कि आज छठे चरण का लोकसभा चुनाव हो रहा है, जहां तपती गर्मी में लोग अपने घरों से वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि विजयी कौन होगा ये 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टोरी हाउ।